हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, अपनी नोट्स खुद बनाते जाइए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो जो केमिकल काइनेटिक्स, देखो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आपको किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताता, ये आपको उसकी स्पीड या उसके रेट के बारे में बताएगा कि वो रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, या उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास ए प्लस बी, आपके पास बन गया सी प्लस सी। ए प्लस बी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, और सी एंड डी के आपके पास प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बना था। और देखिए यहां पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखना चाहें, तो इसका मतलब देखिए क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर लिखा मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, टाइम टेकन। जैसे कि आप समझते हो कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे ये कम होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब डिक्रीज होगी, और डिक्रीज के लिए यहां पर जो साइन यूज किया जाता है हम उसे बोलते हैं माइनस का। डिक्रीज माइनस का साइन सिर्फ आपको यही बताता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ऊपर वाली रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन से थे, ए और बी। पहले हम ए की बात कर लेते हैं, माइनस डेल्टा ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी। अब अगर ए रिएक्टेंट था तो आपके पास बी भी रिएक्टेंट है, किसके कुल बनेगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। देखिए डेल्टा आ गया, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, डेल्टा का मीनिंग क्या, चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन। माइनस से साइन जस्ट टेलिंग अस कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग। सेम माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी मीन्स बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डेल्टा टी कितना टाइम उसको लग रहा है कंसंट्रेशन कम होने में, और माइनस का साइन आपको यही बता रहा है कि जो बी की कंसंट्रेशन है ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए क्या रिएक्ट, क्या किसी भी रिएक्शन का रेट, सिर्फ अगर आपने इसको डिफाइन करना है कि आप रिएक्टेंट के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हो, नो। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका एक और मीनिंग निकलता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्शन में ये धीरे धीरे बढ़ती है, उसे बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहां पर वर्ड आ गया इंक्रीज, इंक्रीज का मीनिंग क्या है, प्लस में आप लोगे। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या था, सी मीन्स डेल्टा ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा टी। क्या सिर्फ आपके पास सी ही प्रोडक्ट है, नहीं, आपके पास तो डी भी प्रोडक्ट है, किसके को लाएगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन दी हो देन यू कैन फाइंड द, देन यू कैन डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन। अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपने किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन करना है, अगर आपने किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन करना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके को लाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके को लाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। अब बच्चों आगे बढ़ती है, अब बच्चों आगे पढ़ती है, हम इसको थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए आपके पास है एक्स ए प्लस वाई बी, वी आर गेटिंग सी प्लस जी। मैंने यहाँ पर x और y मैंने मान लीजिए कोई नंबर है, मे बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी मेरे पास नंबर है। x मेरे पास जनरली कोई नंबरिकल टर्म है, बी 1 और 2, 3। y भी मेरे पास कोई भी नंबरिकल टर्म है, 1, 2 या 3। यहाँ पर मैंने अभी तक कोई नंबर नहीं लिया, आप लेना चाहे तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एज कैपिटल x, कैपिटल y। यहाँ पर x और y या सिमिलर भी हो सकते हैं आपके पास, अलग अलग भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं m एंड n, mc एंड nt। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिखे क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली दिखे क्या बनेगा, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ई, इट मींस माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो भी आपके पास न्यूमेरिकल टर्म है ये कहाँ पर आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में, इट मींस माइनस 1 बाय एक्स। सिमिलरली वाई के आगे कौन सा नंबर हमने सपोज किया था, बी के आगे हमने वाई सपोज किया था, इट मींस माइनस 1 ओवर वाई ब्रैकेट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब सी ये तो आपके पास इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आया है, अगर आप इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहो तो क्या आएगा, 1 बाय एम ब्रैकेट डेल्टा ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 1 ओवर एन डेल्टा ब्रैकेट डी अपॉन डेल्टा टी। बच्चों एक बात आप यहां पर और नोट कर लीजिए, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज, इट मीन्स लार्ज चेंज अप या डाउन, इंक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। कहते हैं डेल्टा की जगह पर आप डी भी ले सकते हो। अब मैथ जब अपने मैथमेटिक्स में जब अपने डिफरेंशिएशन किए थे तब आपने पढ़ा था कि डी बाई डी टी का मीनिंग क्या है, पर यूनिट टाइम में क्या चेंज आ रहा है, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, या इसी पे कोई छोटा चेंज भी ले सकते हो। तो जहां पर आपने डेल्टा लिखा था वहां पर आप डी भी लिख सकते हो। किस तरह से लिख सकते हो, 1 बाय एक्स माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू 1 बाय वाई db अपॉन dt, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1 बाय एम dc अपॉन dt इक्वल टू 1 बाय एन dd अपॉन dt। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन कर सकते हो, आप उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब बच्चों हम अगली बात करेंगे रेट लॉ की, रेट लॉ का मीनिंग समझ लीजिए क्या है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डोनेट्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने लिया था आपके पास एक्स ए प्लस वाई बी, आपके पास क्या बन रहा था, सी और डी बन रहे थे। हमने यहां पर मान लिया कि आपके पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट। देखिए मैंने जब भी आपको डेफिनेशन जो सुनाई थी उसमें आपने क्या लिखा था, साफ साफ आपने बोला था कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आप एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इसमें कोई खास रोल नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको चाहिए थी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आपको दी हुई है, प्रोडक्ट तो आपके पास उसके कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उसको हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया है, हमने उसको यहां पर अभी तक कंसीडर नहीं किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब रेट लॉ देखिए क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या था आपके पास ए, अब यहां पर हमने कौन सा सब नंबर सपोज किया था एक्स, तो एक्स क्या बन जाएगा इसकी पावर, अकेला क्या यही रिएक्टेंट है, नहीं आपके पास बी भी है तो मल्टीप्लाई बी भी आपके पास रिएक्टेंट था, इसके आगे हमने कौन सा नंबर माना था वाई, तो वाई क्या बन जाएगा इसकी पावर। इस तरह से आपके पास क्या बन गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज व्हाट योर रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब हम इसी रेट लॉ को एक जनरल
रिएक्शन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने ए और बी को सॉल्व किया था। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है Na प्लस सी एल टू, आपके पास क्या बन रहा है NaCl, आपने इसको बैलेंस कर लिया, आपके पास रिएक्शन बन गई। इट मीन्स NaCl तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपने NaCl के कंसेंट्रेशन तो डील ही नहीं करनी है, आपके पास Na और Cl के आपके पास रिएक्टेंट है, Na एंड Cl ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो देखिए आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन से है, Na, Na के कौन सा नंबर हमने माना था 2, तो पावर बन गया Na पावर 2, और आपके पास क्या है Cl, Cl के पैरों में 2 है, मतलब Cl आपके पास मॉलिक्यूल है, इसके आगे कौन सा नंबर मानोगे आप सपोज करोगे, अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे 1, तो पावर कितने बन गया 1। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन बताना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो इस तरह से आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। बच्चों अगला टॉपिक भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका सिंपल हम मीनिंग समझते हैं, इसके बेस पर भी आपको एक या दो नंबर के न्यूमेरिकल आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या बनता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो आपके पास रिएक्टेंट थे उनकी पावर का जो सम आएगा रेट लॉ में वो क्या बनेगा आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ऊपर था Na की पावर कितनी हमने मानी थी 2, Cl2 की पावर कितनी थी 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा आप अगर निकालना चाहे, देखिए 1 था सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या बनेगा 2 प्लस 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया आपके पास 3, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर 1 ऑर्डर है तो मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 2 आया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर 3 आया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग टाइप की रिएक्शंस आ सकती है। बच्चों एक क्वेश्चन मार्क के देखते हैं, इसमें आपने बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। आपके पास है H2Cl2, we get 2HCl। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा पहले इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्या बनेगा आपके पास H2 पावर कितनी मानोगे 1, Cl2 पावर कितनी मानोगे 1, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था हमने 1 सपोज कर लिया, तो 1 प्लस 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा 1 प्लस 1, कितना आ गया आपके पास 2, इट मीन्स इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन था अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसमें देखिए और बात आपको क्या पता चलती है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो थोड़ी सी एक हल्की सी गलती है यहां पर अभी तक, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से। तो अगर आप यहां से क्या चेक करते हो कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, इट मीन्स अगर रिएक्टेंट इनके ऊपर लिख दिए कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बताइए ऐसे क्या पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के लिए आपने ए से
सी बनाया, ये क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर साइन प्रोपोर्शनल का है, प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाओगे इक्वल टू का लगाओगे तो यहां पर आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा और इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। इनकी जो पहले आपके पास क्वेश्चन थी तो यहां पर भी क्या आना चाहिए था आपके पास, के की वैल्यू यहां पे भी आनी चाहिए थी, रेट ऑफ रिएक्शन था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट मींस इक्वल टू का साइन लगाया था तो आपको के की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी, और इससे पहले जो आपने रिएक्शन की थी तो यहां पर भी आपके पास एन और सीएल वाला केस था, यहां पर भी आपने इक्वल टू का साइन लगाया था, यहां पर भी आपको क्या लगा पड़ना क्या लगाना पड़ेगा रेट कॉन्स्टेंट। बच्चों रेट कॉन्स्टेंट आपने लिखा है, रेट कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैंने बोला है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर अगर आपके पास है तो उसके लिए रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के अलग, फोर्थ के अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। तो हम अब लास्ट में देखते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट की आप यूनिट किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा आपके पास, कि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट था ये पावर कितनी आ गई जीरो, वर्ड क्या था जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन जब आप ए की लोगे रिएक्टेंट की तो उसकी पावर कितनी बनेगी जीरो, तभी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा जीरो। तो यहां पर देखिए आर किसके इक्वल आ रहा है, अब किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर क्या था वन, के मल्टीप्लाई वन इक्वल टू आर किसके इक्वल आएगा के इक्वल, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होंगे वही यूनिट किसके होंगे रेट कॉन्स्टेंट के, और रेट किसके इक्वल था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, किसी भी रिएक्शन का जो रेट था क्या था इसका फॉर्मूला इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। अब कंसंट्रेशन के यूनिट क्या लिखते हो मोल पर लीटर, टाइम जनरली किसमें लिया जाता है सेकंड में, तो ये आ गया आपके पास रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट आ गई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपके पास यूनिट है रेट कॉन्स्टेंट के फॉर रेट कॉन्स्टेंट के ये यूनिट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दीज आर द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर की जब आप यूनिट निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आप करोगे रेट किसके को लाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर कितनी मानोगे वन, फर्स्ट ऑर्डर आ गया था इनके आपके पास इस तरह से रिएक्शन को आपने कन्वर्ट किया, ए को आपने कन्वर्ट किया बी में, ए के आगे कोई नंबर नहीं था वन माना आपने, तो पहले आपने जीरो ऑर्डर के लिए कंसिडर किया था ए को आपने कन्वर्ट किया बी में, यहां पर कोई नंबर नहीं है लेकिन यहां पर आपके पास जीरो ऑर्डर है, इट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे डबल अब चाहे बढ़ाओ घटाओ उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपने क्या बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ए की पावर कितनी आप मानोगे वन, अब देखिए रेट था रेट के यूनिट क्या होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपके पास आर की थी जो हमने पहले देखी, हमने पहले क्या निकाला था कंसंट्रेशन बाय टाइम मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो वही आपके पास ये आर के यूनिट थे, आर के अपने यूनिट यहां पर लिख दिए कि अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं आपके पास मोल पर लीटर, पावर कितनी मानोगे वन, मानना कि आपके पास पावर वन थी तो आपने वन लिखा, अब किसी नंबर के जब पावर वन आती तो आपके पास वही आंसर आता जो नंबर हुआ आपके पास, तो आपके पास वैल्यू आई मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के मल्टीप्लाई मोल पर लीटर, देखो मोल से मोल कैंसिल पर लीटर कैंसिल, आपके पास के किसके को आ गया पर सेकेंड, इट मींस पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
इनकी जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की जब आप बात करते हो तो इसके यूनिट कहेंगे पर सेकंड। बच्चों इस तरह से आप सेकंड ऑर्डर के यूनिट भी निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के भी, थर्ड ऑर्डर के भी, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लिए। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके आप तब तक इनके यूनिट निकाल लिए, और इसके बाद मैं आज ही आपको अभी कुछ टाइम में एक ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट आप निकाल सकते हो। बच्चों देखिए यहां पर मैंने लिखा शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मैं इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 - n पर सेकंड। यहां पर देखिए n क्या डिनोट करता है, n आपके पास है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला जाए, सेकंड के लिए बोला जाए, थर्ड के लिए बोला जाए, अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर बोला जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2। अगर थर्ड ऑर्डर बोला जाए तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3। आपने वैल्यूज यहां पर पुट करनी है और आपके पास क्या आएंगे, आपके यूनिट आ जाएंगे। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब हम यहां पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं 0 के लिए और 1 के लिए, फिर आप सेकंड और थर्ड के लिए भी आप यूनिट निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 - n पर सेकंड। अब अगर हम बात करें, देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिखते पहले क्या था, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 - n पर सेकंड। अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या बन रहा है आपके पास, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, कि मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकंड। अब देखिए 1 में से 1 के आपके पास क्या बचा, मोल पर लीटर 1 में से 1 गया 0 पर सेकंड। किसी नंबर की पावर 0 हो तो आपके पास आंसर 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई पर सेकंड आपके पास क्या बचेगा, पर सेकंड, ये आपका आ गया आंसर। अगर बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकंड, 1 में से 0 गया आपके पास 1 बचेगा, किसी नंबर की पावर 1 हो आपके पास वही नंबर आएगा जो आपको नंबर गिवन था, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, इसके लिए n कितना बन जाएगा आपके पास, 2। तो फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकंड। देखिए 2 में से 1 गया 1, बड़ा आपके पास होता है, इसके आगे माइनस का साइन था तो क्या बन गया, मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकंड। अब जब आप 1 के से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां पर मैं साइड पर लिख देता हूं, पर मोल, मोल की पावर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, पर लीटर पर सेकंड, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बच्चों देखो यहां पर हम पर सेकंड ले रहे हैं, अगर टाइम आपको मिनट में दिया तो क्या आएगा, पर मिनट आएगा, आर में दिया तो क्या बनेगा, पर आर। इसी तरह से सिमिलरली आप अलग अलग टाइप के यूनिट कांस्टेंट के यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ आपका आज का टॉपिक खत्म है, एक बार थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के यूनिट लिख लेते हैं, थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट, इसके लिए एन की वैल्यू क्या बनेगी, 3। फॉर्म में जब आप एन पुट करके मोल पर लीटर 1 - 3 पर सेकेंड, तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर 3 में से बन गए 2 पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा मोल की पावर 2 लीटर की पावर 2 पर सेकेंड, इट मीन्स दीज आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से आपके पास अलग अलग टाइप के यूनिट के रेट कांस्टेंट के आप यूनिट फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही था,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और अगले इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें 3 से 4 और वीडियोस चाहिए। वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा, आप उनको देखिएगा और अपने नोट्स खुद बनाइएगा। आपके बच्चों प्लस टू की क्लास है, इट इज़ वेरी क्रूशल। और अगर कोई डाउट हो आपको तब आप कमेंट करके मुझे अपना डाउट बताइएगा। थैंक यू बच्चों।